As-salātu was-salāmu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. As-salātu was-salāmu alayka ya Sayyidi ya Habiballah. As-salātu was-salāmu alayka ya Sayyidi al-Mursaleen. As-salātu was-salāmu alayka ya Rahmatul lil-alameen. Wa ala alika wa ashabika wa azwajika wa ahli baytika wa zurriyatika wa itratika ajma'in. Bi rahmatika ya Rahmatul rahimin. Azizan-e-Bahtaram, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान नात काउंसिल के ज़ेर एहतमाम हर जुमे को बादस नमाज जुमा मस्जिद हादा में अरसे कदीम से यानी क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक महफिल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम का यहाँ इनेकाद किया जाता है और ये सिलसिला क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जारी और सारी है अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा आइंदा भी। महफिल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद बाईस खैर बरकत भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के नुज़ूल का सबब भी है और जो अशख़ास व अफराद इस महफिल में शिरकत की सआदत हासिल करते हैं वो यकीनन दाखिल हसनात किए जाएंगे और उन्हें इनका बेहतरीन अजर व सवाब अता किया जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये रब्बे कायनात के महबूब का ज़िक्र है और वो महबूब जिसके लिए ये पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक़ फरमाई ये 18,000 आलमीन अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम के सदक़े में पैदा फरमाए और अपने हबीब का ज़िक्र कुरान पाक के मुताबिक वराफाना लका ज़िक्र ऐ हबीब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। तो ये हैं इस ज़िक्र की रिफ़तें और अज़मतें जिसका अहतमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इबादात में भी इसका अहतमाम फरमाया है यानी कलमे में नमाजों में अज़ानों में कहीं भी ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से हमें कोई चीज़ खाली नहीं मिलेगी आपको। तो ये ज़िक्र बहुत बड़ा ज़िक्र है बहुत अज़मत और रिफ़त वाला ज़िक्र है बहुत फ़ज़ीलतों वाला ज़िक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस ज़िक्र पाक की महफिल में शिरक अदब के साथ एहतराम के साथ और तमाम तर खुशू व खुजू के साथ इस जिक्र की महफिल में शिरकत की सआदत अता फरमाए आमीन या रब्बुल आलमीन। महफिल ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम शुरू की जा रही है बाकायदा और सबसे पहले हज़्ब रिवायत साबिका जावेद हारून साहब कसीदे बुर्द शरीफ के तीन मुंतखब अशार बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम में पेश करने की सआदत हासिल करते हैं और उसके बाद एक नाज शरीफ नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पेश करते हैं। तो मैं जावेद हारून साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो कसीदे बुर्द शरीफ के अशार और उसके बाद नाज शरीफ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम के हुजूर पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। जावेद हारून साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। परे मौलाया सल्ले व सल्लम दाइमन आबदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ले व सल्लम दाइमन आबदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सैयदुन कौनैने वासकलैन मुहम्मदुन सैयदुन कौनैने वासकलैन वल फरी कोइने मिन उड़ब्यो वामिन आजम्यो मौलाया सल्ले व सल्लम दाइमन आबदन आला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ले।
الحبیبالذی ترجا شفاعتہ هو الحبیبالذی ترجا شفاعتہ لکل حال من الاحوال مقتحمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسعی الکرمی مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم